लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर आसपास क्षेत्र में अब की बार गेहूं और गन्ने की फसल अच्छी नजर आ रही है। किसानों के चेहरे गदगद हो रहे हैं। वहीं जब हमने किसान से बात की कि इस वक्त पानी क्यों दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल में सर्दी के हिसाब से पानी दिया जाता है। अगर बारिश हो जाती तो गेहूं ठंड नहीं मानते, वरना ठंड में आ जाते हैं, इसलिए पानी देना गेहूं को जरूरी होता है। और गन्ने की फसल में इस वक्त गन्ने में पानी देने से गन्ना मजबूत पैदा होता है, जिससे उसमें वजन बढ़ता है और किसानों को फायदा होता है। लेकिन अच्छी फसल होने के बाद भी किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता। गन्ने का पेमेंट समय से न मिलने से किसान अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हो जाता है। वहीं गेहूं की फसल में भी जब मंडी में बेचने के लिए जाता है तो किसान को अच्छा रेट नहीं मिल पाता और गेहूं का रेट हाल के दाम पर गेहूं बिकता है, जिससे किसान का खर्चा भी पूरा नहीं होता। बाइट किसान ब्यूरो रिपोर्ट, दिचाबर भाईजान, अब की लक्सर। बार गेहूं और गन्ने की फसल कैसी है? गेहूं गन्ने की फसल बहुत बेहतरीन है जी, और किसान को टाइम पर गन्ना पैसा नहीं मिल पाता, और अगर फसल अच्छी हो तो इनका पैसा नहीं मिल पाता। गेहूं का गन्ने का अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। हाँ जी, जिससे किसान परेशान हो जाता है। हाँ, किसान परेशान नहीं चल रहा है। फसल के बारे में बता सकते हो आप क्या? मैं शकील राणा, गांव छोटी खेड़ी खुर्सा हूँ। और जो गन्ने की जो फसल है, लोगों के पास फसल ठीक है, लोगों ने मेहनत कर रखी है, लेकिन एक समस्या आ रही है, टाइम पर पर्ची नहीं किसान को मिल पा रही, और गन्ना ना जाने से किसान एक गेहूं के लोन्स में जा रहा।